पेपर्स क्यों लाए सबके सामने? मैंने भी देखे थे ये पेपर्स और ये दस्तावेज, लेकिन मैंने नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि जब रणविजय ने ये पेपर साइन किए होंगे तब मेरी दीदी मौत से लड़ रही थी। लेकिन मेरे पति की नजर आप जैसे तेज तो है कि वो हर शब्द को पढ़कर फिर उस पर साइन करे। जिंदगी बचानी थी, जिंदगी और मौत का सवाल था, मुश्किल वक्त था, इसीलिए उससे ये गलती हो गई। आपको ऐसे वक्त पे जब हम सबके मन में सिर्फ और सिर्फ दीदी की हेल्थ और रणविजय की सेफ्टी का ख्याल है, उस वक्त आपके दिमाग में अलग ही खुराफात चल रही है। आपकी छोटी सी क्लेरिकल गलती को लेकर इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश की। मुझे रणविजय पर पूरा भरोसा। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। देखो यार, चाहे जैसा भी, लेकिन रणविजय ने वैजू को अपने पत्नी की जगह तो दे ही। पति पत्नी के पवित्र रिश्ते में किसी और का आना अच्छी बात नहीं होती। तेरे अच्छे के लिए बताएं, शादी करके तू इस घर पे आएगा, तेरी चिंता है इसलिए ये सब। नहीं, आपको अगर मेरी चिंता होती ना तो आप मुझसे अकेले में बात करते, हम दोनों मिलकर सारी चीजें क्लियर कर देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं, आपने ये पेपर सबके सामने लाए इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरी चिंता थी, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा ड्रामा क्लियर करना। आपने ये सब कुछ किया इसलिए नहीं क्योंकि आपको मेरी फिक्र थी, इसलिए क्योंकि आपको रणवीर जय की तकलीफ थी। बहुत हो गया। हाँ सर, इसलिए क्योंकि आपको रणविजय की तकलीफ पड़ी और अब बहुत हो गया। मुझे रणविजय पर पूरा भरोसा, आप चाहे जितनी कोशिश करें, मैं उस पर कभी शक नहीं, पर अब बहुत हो गया। आप चाहे जितनी कोशिश करें, मैं रणविजय पर कभी शक नहीं, कभी नहीं।